अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें हम ए वन कंसिडर करेंगे फर्स्ट टर्म को ए टू सेकेंड टर्म और ए थ्री थर्ड टर्म और हमें ये कहा ये है अगर मान लो ये थ्री टर्म एपी में है ना तो इनका जो डिफरेंस होगा कॉन्जेगेटिव टर्म के बीच में लाइक like, अगर हम ए थ्री माइनस ए टू करें वो किसके इक्वल होगा ए टू माइनस ए वन के जब भी कोई टर्म ए पी में होती है बच्चा तो कॉन्जेकेटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है ना सेम रहता है यानी कि ए थ्री माइनस ए टू इक्वल होगा ए टू माइनस ए वन के तो हम इसी फॉर्मुला को यूज करके पी की वैल्यू फाइंड करेंगे अब देखो बच्चा ए थ्री किया टू पी प्लस थ्री तो ए थ्री की जगह आप टू पी प्लस थ्री रख दो माइनस ए टू ए टू कितना है पी प्लस वन तो ब्रैकेट में लिख दिया पी प्लस वन इज इक्वल टू ए टू अगेन पी प्लस वन आएगा इधर माइनस ए वन ए वन कितना है p माइनस वन इन ब्रैकेट अब ब्रैकेट ओपन करेंगे टू पी प्लस थ्री अब बच्चा ये ब्रैकेट ओपन करें क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे देखो माइनस पी हो जाएगा इधर और माइनस प्लस माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज ओपन कर दो पी प्लस वन अब सेकेंड ब्रैकेट में माइनस पी और माइनस माइनस प्लस वन होगा अब देखो बच्चा प्लस पी माइनस पी कट हो गया अब इसमें ध्यान दो तो टू पी माइनस पी क्या होगा वन पी क्योंकि इधर पी के आगे कुछ नहीं है तो वन है टू माइनस वन वन होता है तो वन पी वन पी को हम पी ही लिखते हैं बच्चा ओके और बच्चा ये जो प्लस थ्री और माइनस वन प्लस टू हो जाएगा तो यहाँ पी प्लस टू हो गया इज इक्वल टू वन प्लस वन इधर टू हो गया अब पी की वैल्यू क्या होगी प्लस टू एल एच एस आर एच एस में जाने पर माइनस टू हो जाएगा तो पी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा